वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए गाइडलाइन है, क्या वो सिर्फ आम जनता के लिए वो गाइडलाइन है जो बाजारों में चलते हैं या दिन गुजारते हैं अपना। लेकिन यहाँ तो भीड़ भड़कम और इतना कोई कोविड की वायलेशन कंप्लीट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें शामिल, लोगों को बाजारों में तंग करते हैं कोविड को लेकर। और हम तो यहाँ पे, हमारे पास आप अंदाजा लगाइए कि हम यहाँ आए, हमारे लिए बैठने के लिए जगह नहीं काउंसलर्स के लिए, यहाँ पे दो ही लोग आए हैं हम, देयर वाज नो प्लेस लेफ्ट फॉर अस। प्रोग्राम था इंस्टॉल करना, वो रात को ही यहाँ से भागने की कोशिश उसने की है क्योंकि उसको कहीं कॉन्ट्रैक्ट पंजाब में। ठीक, मेरे पीछे आपको एक बिल्डिंग दिख रही होगी बहुत बड़ी, और यहीं पर जो है DDC चेयरमैन जो चुने गए हैं उनका ऑफिस खोला गया है, यानी एक प्राइवेट बिल्डिंग है। और ठीक यहाँ पे एक ड्रग स्टोर भी है, यानी तीन डिस्ट्रिक्टों के लिए यहीं से दवाइयाँ जाती है, किश्तवाड़, रामबन और डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए। और जहाँ पर आपको एम्बुलेंस भी दिख रही होगी, 100-200 लोग जो हैं आज इकट्ठा हुए थे यहाँ पर, कोई भी SOP का ध्यान नहीं रखा गया। जब सवाल पूछे गए इन सब लोगों से तो कहा गया कि खबर नहीं चलाना, आकर हो क्या रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और जब भी इंफॉर्मेशन जो है सूचना देती है कि आज जो है DC ये करने वाला है, DC वो करने वाला है आज, लेकिन इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन मीडिया को नहीं दी गई। हमारे अपने सोर्स के थ्रू हम यहाँ पर जब विज़िट किया तो बहुत सारे लोग जो है हमें इकट्ठा दिखे, कोई भी SOPs, कोई भी कोविड की गाइडलाइन नहीं दिखी। क्या वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए गाइडलाइन है, क्या वो सिर्फ आम जनता के लिए वो गाइडलाइन है जो बाजारों में चलते हैं या दिन गुजारते हैं अपना जैसे तैसे दिहाड़ी लगा कर, क्या वो सब उन चीज़ों के लिए। आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन प्लांट खुलने वाला था और 100 से ज़्यादा सिलेंडर जो है दिन के तैयार होने वाले थे, लेकिन वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी की वजह से फेल हो गया है। वो भी यहाँ से जैसे ऑक्सीजन 21 तारीख को यहाँ पर पहुँचती है, उसके बाद 3 दिन रहने के बाद जो है पंजाब वापस चला जाती है। और एडमिनिस्ट्रेशन अब कह रही है कि हमने उसके ऊपर FIR भी लगाई है। क्या FIR लगाने से वो सारे मसले ठीक हो जाएंगे या फिर दिल्ली वाले हाल अब डोडा में भी देखने पड़ेंगे। अगर वही ऑक्सीजन हमारा सही होता, 100 से ज़्यादा सिलेंडर तैयार होते तो हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट को भी सप्लाई कर पाते और अपने हॉस्पिटल के लिए जो पैसा इकट्ठा होता या फ्री सर्विस या लोगों की जान बचा सकते वो अच्छे से होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन के कितने लोग आपको इस वीडियो में दिखेंगे जो सब लोग जो हैं इस कोविड का उल्लंघन कर रहे हैं और इसी ऑफिस में उद्घाटन कर रहे हैं। और ये प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में रखी गई ये बिल्डिंग है, अगर यही बिल्डिंग कहीं गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती जहाँ पर बहुत सारे लोग होते, यानी ऑफिस बना होता, तो आने वाले समय में, क्योंकि DDC इलेक्शन सिर्फ एक बार नहीं होना है, हजारों का खर्चा हुआ है, बिल्कुल स्पोर्ट्स स्टेडियम के बिल्कुल साथ में है, बहुत सारी गाड़ियां भी यहां पर आई हुई हैं। और अभी जो है जैसे मीडिया को देखते हैं DC साहब, तो DC जो है यहां से वापस चला जाते हैं। अब सवाल आपके पास है, कमेंट जरूर कीजिए कि आखिर हो क्या रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का। और बाकी जो DDC काउंसलर थे वो भी काफी नाराज हैं, उनको ये पता नहीं है कि उनका आज जो है यहां पर ऑफिस खुलने जा रहा था, काफी नाराज होकर, और उन्होंने भी क्या कहा इन वीडियो में आप जरूर देखें। ज़्यादा तो हमें इस इनॉग्रेशन के बारे में कोई खबर नहीं है। उसूल तो यह है कि ऑफिशियल फंक्शन हो रहा था, DDC के चेयरमैन को ऑफिशियली एक प्राइवेट बिल्डिंग में एकोमोडेट करने का, लेकिन मजाक और बदकिस्मती यह है कि DDC जो मेम्बरान हैं बाकी पार्टीज़ के, वो तो कोई नज़र भी नहीं आ रहा आपको, यहाँ पे किसी को बुलाया नहीं, बल्कि कि एक पर्टिकुलर पार्टी का अखाड़ा बना के रखा हुआ है। और हम गए थे वैसे, वो ACD साहब ने एक दो फ़ोन किए थे, रिक्वेस्ट की थी, हम गए थे ये कोहली साहब और मैं, लेकिन यहाँ तो भीड़ भड़कम और इतना कोई कोविड की वायलेशन कंप्लीट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें शामिल, लोगों को बाजारों में तंग करते हैं कोविड को लेके। यहाँ 100 आदमी अंदर खड़ा बैठा हुआ है एक कमरे में, और उनका क्या पर्पज़ और क्या फन था? ये DDC चेयरमैन का ऑफिस है कि पॉलिटिकल पार्टी का अखाड़ा है? पता नहीं क्या क्या करते फिरते हैं ये, क्या एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ बैठ के करती है और ये क्या करते हैं? ये बहुत बड़ा मजाक है, बद्दा मजाक यहाँ के लोगों के साथ। और हम तो यहाँ पे, हमारे पास आप अंदाज़ा लगाइए कि हम यहाँ आए, हमारे लिए बैठने के लिए जगह नहीं काउंसलर्स के लिए, यहाँ पे दो ही लोग आए हैं हम, देयर वाज नो प्लेस लेफ्ट फॉर अस। सो दिस इज हाउ दे आर वर्किंग एंड दे आर बिहेविंग, और दुनिया को दर्ज दे रहे हैं कोविड की
वायलेशन हो रही है और इसको जो है फॉलो करो SOPs को। कौन सी SOPs, यहाँ मजाक बनाया हुआ है अंदर इन सबने बैठ के। डिप्टी कमिश्नर वॉज प्रेजेंट ओवर दियर, वो लोगों को तो दर्श दे रहा है, बड़ी बड़ी नोटिस निकाल रहा है, अंदर क्या हो रहा था। तो यह है हालत। सो हमारा तो बड़ा डिस्प्लेजर, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये सारी सिचुएशन जी। हमारा एक DDC का इंस्टीट्यूशन बना है गवर्नमेंट ने, पंचायती राज सिस्टम तो काफ़ी देर से हिंदुस्तान में है, तो हमारे यहाँ भी बीच बीच में कोशिश होती रही, पंचायत लेवल पर बनते रहे, पंच सरपंच बनते रहे, लेकिन पहली बार ये मौका है पूरा 3-tier सिस्टम जो है वो इन प्लेस हुआ है। DDC चेयरमैन बने हैं, वाइस चेयरपर्सन बने हैं और मेंबर्स सारे इलेक्ट हुए हैं, तो उन्हीं के लिए आज एक अकोमोडेशन ऑफिस अकोमोडेशन का इनॉग्रेट किया था। ये काफ़ी देर से हमने तैयार रखी थी, लेकिन कुछ हमारे यहाँ संस्कृति है, कुछ बिलीव्स हैं, कुछ मुहूर्त का सिस्टम, सबके अपने अपने बिलीव्स हैं, उसको कदर करते हुए आज इन्होंने अपना यहाँ इनॉग्रेशन कराया है। कोविड चल रहा है, क्या यहाँ पे SOPs का पालन हो रहा है? SOPs का कॉल, हमारी पूरी कोशिश हो रही है SOP पर कॉलम करें, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन पूरी अवेयरनेस करने की कोशिश की जा रही है। आज भी हमने पहले ही इन एडवांस बता दिया गया है कि गैदरिंग नहीं हो, क्योंकि पॉलिटिकल इवेंट्स में बड़ी नॉर्मली टेंडेंसी होती आएंगे, तो इन्होंने भी वो पालन किया है। तो यहाँ घंटे से एम्बुलेंस वेट कर रही है, एम्बुलेंस वेट नहीं कर रही है, एम्बुलेंस को मैंने अंदर बुलाया है क्योंकि ये बाहर थी, इनको एक्सेस दी गई है, अंदर जाके आप अपना सामान लगा दिए, इनको कोई हिंड्रेंस नहीं है, इनको पूरा जो इनका इंचार्ज आया है उनकी रिक्वेस्ट थी कि एम्बुलेंस अंदर ले आइए, हमने अंदर ले आई है और ये सामान इसमें डलवा रहे हैं। सर आपको नहीं लगता है इस चीज़ को शिकंजा कर सकते हैं कि बाद ही जो है COVID-19 के जो असर है वो फॉलो किए जा सकते हैं? अदरवाइज सर अभी मैं बैंक में अभी देखा तो बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसके अलावा बहुत इसमें तो सभी को ये करना है, इसमें हमने फाइन भी इम्पोज किए हैं, अवेयरनेस भी क्रिएट की है, पब्लिक का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि अवेयरनेस अभी हुआ है, पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इकट्ठे एज ए टीम काम करें तो ही इन चीज़ों से हमारा निजात हो सकता है। तो मैं आप लोगों से भी आपके माध्यम से भी यही बात करूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, जगह जगह आप भी प्रचार कीजिए। आप भी जब मीडिया का ये करते हैं, रिलीज़ करते हैं, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी पहले मैसेज आप भेजें, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने बड़ी बाइट्स देखी हैं ऐसी जिसमें आप स्टार्ट ही इसी मैसेज से करते हैं ताकि लोगों के मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे लगने वाला था, 3 दिन वहाँ गाड़ी यहाँ पे रुकती है और उसके बाद वापस पंजाब चला जाता है। वो उसका जो ऑक्सीजन प्लांट की बात ये थी, वो जो पंजाब का सप्लायर था, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने पंजाब के सप्लायर्स को यहाँ के लिए लाया गया था, उसने कोई 22-23 को यहाँ आया था, तो अगले 1-2 दिन में उसको ये लगाना था, यहाँ लोड करना था, तो अगले दिन उसको कोई अपना अरेंजमेंट नहीं हुआ क्योंकि कंट्रैक्टर का काम है, तो हमारे ऑफिसर्स जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं उनको क्रेन वगैरह करके दी, वो सैटरडे मॉर्निंग का प्रोग्राम था इंस्टॉल करना, वो रात को ही यहाँ से भागने की कोशिश उसने की है क्योंकि उसको कहीं कंट्रैक्ट पंजाब में मिला है। हमने उसके लॉन्च की है FIR, स्ट्रॉन्ग FIR, टीम भी यहां से निकल के पंजाब जा चुकी है, पुलिस टीम, और वो मटेरियल वापस आ जाएगा हमारे काम शुरू खत्म होने से पहले, क्योंकि अभी काम बन रहा है, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, उसी तरह से यहां का कोई अंदेशा नहीं है, हमारे पास काफी आगे दूसरी डिस्ट्रिक्ट को भी हम सप्लाई कर सकते थे। नहीं, सप्लाई इसमें दूसरी डिस्ट्रिक्ट का सप्लाई का इशू नहीं है, ये जनरेशन प्लांट है जो कि डेडिकेटेडली यहाँ के GMC के लिए लगेगा, 3000 LPM का प्लांट है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर काफ़ी सारे हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशन हमारे यहाँ, हमारे पास काफ़ी मिकदार में है, कोई ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट एक उसको एक एडिशनल रिसोर्स बनेगा, हमारा काम वार फुटिंग पर चल रहा है, इस प्लांट से हमारे GMC में काफ़ी अच्छी पोजीशन में हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी। सर J&K बैंक मैनेजर के मुताबिक उन्हें पुलिस की ज़रूरत है, तो उन्हें तो वो रिक्वजिशन करें, पुलिस मिल जाएगी उनको, वो उनका काम है और उनको सारी हिदायतें हैं, उनको पूरा पता है, उनको JK बैंक सभी इंस्टीट्यूट्स को, तो जहाँ जहाँ पुलिस कर रही है कंट्रोल, कॉपरेट कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है। अच्छा नहीं।
हिम्मत लगानी है पूरी नीचे नीचे ये भी टेंशन का काम होता है। फोर्थ है, पहले बंदा पूरा जोर लगा रहा था, टूटे टूटे नहीं टूटे थे। Hello.